Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो आज है गणेश चतुर्थी. हर साल की तरह इस साल भी हम लोग गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले थे. उस साल उतना नहीं हो पाया था क्योंकि जैसे कि कोरोना टाइम था, सभी को पता है. सभी के यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी. कहीं पे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम था तो कहीं पे घर पे पर्सनल प्रॉब्लम था. बट इस साल पूरा माहौल खुल गया है. मतलब जो कोरोना है वो तो है ही नहीं. तो और उसके बाद भी फ्रीली पूरा गणेश जी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. मतलब धूमधाम से शुरुआत हो गई है. जैसे जो बड़े बड़े मंडल वाले गणेश जी होते हैं वो तो एक एक दिन पहले निकल गए. कल बहुत सारे गणेश जी गए, आज भी जाएंगे. आज जो घर वाले हैं वो जाएंगे. अभी हम लोग जाने वाले गणेश जी की मूर्ति लाने. तो वही उस साल जगह से हमने गणेश जी लिया था वहीं से लेते हैं हम लोग. तो इस साल भी मैंने पहले ही जाके बुक करवा लिया था. लाइक मेरे को अपने पसंद की मूर्ति होना, तो मैंने एक उस साल मुझे एक मूर्ति पसंद आई थी, तो मैंने इस साल उनको वही बोला कि मुझे वही सेम मूर्ति बना के दो. तो भैया ने वो कर दिया है. तो अभी मिलते हैं अपन. जैसे ऐसे जो भी होता है मैं आपको फुल डे का आज अपडेट दूंगा. आज फुल डे ब्लॉग रहेगा. जहाँ पे भी मतलब जहाँ मौका मिलेगा मैं शूट करूँगा और प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने की कोशिश करूँगा. तो हमारा जो इस साल वाला सेटअप है कुछ इस तरीके से है. हमने ये जो कोल्हापुर वाली देवी होती है वो बैकग्राउंड में बनाई. ये फेस हो गया, ये सारी चीजें हमने खुद ही बनाई. सुमन सवंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुलावासिनी वेदनुते पंकज वासिनी. तो जैसे अभी थोड़ा सा समय था, मतलब जो मुहूर्त है गणेश जी को घर लाने का वो थोड़ा लेट है. तो हम लोग अभी दुकान जा रहे हैं. मतलब मैं दुकान जा रहा हूँ उस हिसाब से जैसे जो मुहूर्त दिया गया हुआ है वो है 10:30 से लेके स्टार्ट वाला. तो सोचा कि तब तक के दुकान ही ओपन कर लें. हमारी 10 बजे शॉप खुल जाती है. तो अभी दुकान जाके फिर तो जैसे ही सब लोग आ जाएंगे तब अपन गणेश जी लाने चले जाएंगे. रहा अपना शॉप भगवान. तो अभी बज रहे 11 और प्लान था 10:30 को निकलने का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया. तो जैसे ही अभी 11 बजे पॉसिबल हो गया तो हम लोग सबके साथ निकल रहे हैं. तो अभी जा रहे हैं, जहाँ से लिया था वहीं पे जा रहे हैं. गाड़ी चला रहा है. तो अभी हम लोग पहुंच गए कुमारपुरा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हो सकता है प्रोबेबली ये तबले और ढोल वगैरह के वजह से आवाज़ ना आए, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. बट जो वाइब्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. लाइक फेस्टिवल वाइब्स जो पूरी होती है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल रही है. तो
हमने यहाँ पे मुशकराज जी को ले लिया है, क्योंकि गणेश जी का इनके बिना घर जाना मुश्किल है। और भैया यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से गणेश जी को डेकोरेट कर रहे हैं। और ये मिट्टी की मूर्ति है, मतलब ये वाली, ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है। 3 फीट वाली मिट्टी की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। हेलो, हमने गणेश जी की मूर्ति ले ली है, अभी बस ई रिक्शा में होते हुए घर जा रहे हैं। सो नाउ वी आर एट होम, और अभी मूर्ति ला के रख दिया है। उसके बाद में जैसा वो जो डेकोरेटिव पार्ट होता है मूर्ति का, वो करूँगा मैं। तो उसके हिसाब से कुछ सामान मैंने ला के रखा हूँ, और कुछ लाना है तो चितारोली जाऊँगा। कुछ जो थोड़ा सा तुर्रा होता है या फिर वो लटकन्स होते हैं, वो है नहीं मेरे पास, तो वो मैं लेके आऊँगा, चितारोली जाऊँगा और वहाँ से लाऊँगा। पर बाकी सामान तो है, तो ये सारा जो डेकोरेटिव का सामान है मैंने वो ला के रख दिया हूँ। अभी जो पापा की मूर्ति है वो पूरी नेकेड है, मतलब कोरी जिसको बोलते हैं, इसको मैं अभी सजाना स्टार्ट करूँगा। बहुत ही और सुंदर दिख जाएगी ये मूर्ति। यहाँ पे ये हरारी वाला हार बन रहा है, और ये हार मतलब एक एक ऐसा 11-11 हरारियों को मिला के एक एक गठान बांधी जा रही है। और ये बहुत ही मेहनत वाला काम है भाई, इसमें बहुत समय लगने वाला है, मतलब ये पूरा हार बनने को बहुत टाइम लगेगा। क्रिएट किया है, बहुत ही सुंदर, और बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, मोर देन 2 आवर्स इसको बनाने में लगा। आखिर फिनिशिंग में हमने ये इसको कट किया इस तरीके से, और ये परफेक्ट साइज़ है गणेश जी की मूर्ति के हिसाब से। और यहाँ पे मम्मी ये उखड़ी वाले जो मोदक होते हैं, ट्रेडिशनल मोदक, वो बना रही है। मतलब ये अभी सांचे में डल रहे हैं, फिर इसके बाद में ये स्टीम पे कुछ तो भी होता है, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बट बहुत टेस्टी होते हैं ये मोदक। We'll be right back.
तो अभी मैं दुकान आ गया था, मतलब घर पे सारे काम निपट गए थे, तो मैंने सोचा क्यों टाइम पास करे, तो दुकान आ गया। और मैं अभी इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि ना बच्चे दुकान पे हंसते रहते हैं मैं अगर नॉर्मल वीडियो बनाऊँ कभी भी। और आज का जो वीडियो है ना वो लास्ट तक के देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा, मतलब लास्ट का सिनेमेटिक मत भूलना। सो नाउ आई एम एट होम, मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग दुकान क्लोज करके घर पे आए और पूरा फ्रेश व्रेश हो लिए, और जो समय दिया था लाइक 5:30 बजे से लेके रात के 11 बजे तक के जो शुभ मुहूर्त है मूर्ति स्थापना का, तो वो उसके लिए अभी हम लोग लगभग मतलब अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:30 बजे हुए, तो लाइक अभी स्टार्ट करेंगे एंड देन अच्छे से फिर मूर्ति स्थापना करेंगे। तो अपना ये सारा सेटअप रेडी हो गया है, मतलब लाइक अगर थाली देखे तो थाली रेडी है, वो दिए भी जल गए हैं, जलाए नहीं है वो बाकी है, और उसके बाद में पूजा का वगैरह सब सेट हो गया है। और यहाँ पे अपना ये डेकोरेशन भी बहुत सुंदर दिख रहा है, मतलब अभी खाली है इसलिए ऐसा है, जब बापा यहाँ पे विराजेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा वो। और तो सब लोग यहाँ पे रेडी होके बैठ गए हैं, मतलब आराम से बस पापा की राह देख रहे हो, जैसे वो आ जाएंगे तो पूजा स्टार्ट कर देंगे। इस टाइप से कोई कैप पहन लिया, वो ट्रेडिशनल कैप है जो हर साल हम लोग पहनते हैं। उस साल मतलब लाइक मैंने तो शूट नहीं किया था, उसकी वजह से तब पहना नहीं था, बट इस बार मैंने पूरी प्रॉपरली पहन लिया। जय